हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोर हैंड्स। टुडे वी आर गोइंग टू अगेन कंटिन्यू ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का ही हम नेगेटिव रेगुलेशन देख रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने नेगेटिव रेगुलेशन बाय ऑपरेटर पढ़ा था। आज के सेशन में हम नेक्स्ट पार्ट नेगेटिव रेगुलेशन बाय अटेन्यूएटर इन इकोलाई की बात करने वाले हैं, राइट? हाँ, हम ये चीज़ मेंशन करके चलेंगे कि मैंने मल्टीपल टाइम बताया भी है, हम ये चीज़ मेंशन करके चलेंगे कि किस ऑर्गेनिज्म में बात हो रही है। ओके, सो जो जिसकी हम कल बात कर रहे थे कि एक लीडर सीक्वेंस होता है, लीडर सीक्वेंस के अंदर एक अटेन्यूएटर स्ट्रक्चर रहता है, उसी की आज बात होगी। यस दोस्तों, तो हम सबसे पहले किसी स्ट्रक्चर को बना लेते हैं, हमें किसी स्ट्रक्चर को बना लेते हैं जिसको हम क्या मेंशन कर रहे हैं, जिसको हम मेंशन कर रहे हैं, जिसको हम क्या मेंशन कर रहे हैं भाई, ओपेरॉन मेंशन कर रहे हैं हम। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के स्ट्रक्चर को बनाया, तो यहाँ पे आपको प्रमोटर का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और प्रमोटर के इनसाइड ही, आपने लास्ट कल के सेशन में भी समझा था कि प्रमोटर के इनसाइड ही आपको क्या देखने को मिलता है, इनसाइड ही -23 से -3 के तक क्या देखने को मिलेगा, ऑपरेटर देखने को मिलेगा, राइट? इसी में आपको ऑपरेटर भी देखने को मिल रहा है, और दूर कहीं आपको एक रेगुलेटरी सिक्वेंस मिलता है जो कि नेगेटिव रेगुलेशन कराता है, रेगुलेटरी सिक्वेंस। हालांकि इस सीक्वेंस की आज हमको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, राइट? प्रमोटर के बाद यहाँ पे आप क्या देखोगे, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट स्टार्ट हो रही है, और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट में आपको कुछ स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, और आप कह सकते हो स्ट्रक्चरल जीन मिल रहे हैं। सबसे पहले आपको लीडर सिक्वेंस देखने को मिलेगा जिसको हम ट्रिप्टोफेन एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हमारे पास कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल जीन है जिसको हमने ट्रिप्टोफेन ई डी सी बी और ए से मेंशन किया हुआ है, और ये वही कंपोनेंट है जो स्ट्रक्चरल जीन जिनसे हमारी क्या बनती है, कुछ पॉलीपेप्टाइड बनती है, और वो एक एंजाइम को कोड करती है, वो एंजाइम जो कोरिस्मेट से ट्रिप्टोफैन को बनाने में मदद करते हैं, राइट? अब आप क्या देखेंगे, जब इससे हमारी प्रोटीन बनेगी या फिर कोई पॉलीपेप्टाइड बनेगी, तो आप क्या देखोगे, एक एमआरएनए बनेगा, पूरा का पूरा एक एमआरएनए बनेगा, राइट? एक पूरा का पूरा एमआरएनए बनेगा। मुझे लगता है ये दिख ना रहा, दिख नहीं रहा होगा, दिखने में कोई दिक्कत हो सकती है इसमें, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, ब्लैक ही लेते हैं। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, एक एमआरएनए बनेगा। अच्छा, ये एमआरएनए फुल लेंथ ऑफ एमआरएनए मैं बोलूंगा इसको, इसको क्या बोलूंगा कि यहाँ से 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम तक जो पूरा प्रॉपर्ली जो बन रही है, फुल लेंथ ऑफ एमआरएनए बनेगा। अच्छा, ये फुल लेंथ ऑफ एमआरएनए सोच के देखो कब बनेगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नेगेटिव रेगुलेशन और स्पेसिफिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, एक रिप्रेसिबल सिस्टम जो कि एक ट्रिप्टोफेन है उसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो जब ट्रिप्टोफेन होगा तो जीन ऑफ है ना, तो ऑब्वियस ही बात है फुल लेंथ ऑफ एमआरएनए कब बनेगा, जब ट्रिप्टोफेन नहीं होगा। मतलब आप क्या कंडीशन शो करोगे कि जब लो ट्रिप्टोफेन होगा तो उस कंडीशन में आपको जो एमआरएनए की लेंथ मिलेगी वो कुछ ये मिलेगी, क्योंकि जब ट्रिप्टोफेन लो है तभी तो उसको बनाने के लिए हम प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, राइट? और अगर मैं मेंशन करूं यहां पे हाई ट्रिप्टोफेन है, और क्योंकि मैं मेंशन भी करके चल रहा हूँ कि हम नेगेटिव रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, जब हाई हाई ट्रिप्टोफैन होगा तो प्रोसेस को ऑफ रखना है, तो मतलब प्रोसेस ऑफ कैसे होगी, बाय अटेन्यूएटर। तो आप अभी देखेंगे यहाँ पे जो एमआरएनए बनेगा वो बहुत ही शॉर्ट लेंथ बनेगा, उसमें ये स्ट्रक्चरल जीन आएंगे ही नहीं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन पूरा हो ही नहीं पा रहा है। समझ पा रहे हो कि जब लो कंडीशन है ट्रिप्टोफैन की तो फुल लेंथ ऑफ एमआरएनए बन रहा है, बट जब हाई ट्रिप्टोफैन है तो आप क्या देख रहे हो कंडीशन कि जो एमआरएनए बनेगा वो फुल लेंथ एमआरएनए नहीं बनेगा। और ये प्रोसेस कैसे काम करती है, कैसे गवर्न होती है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। आया समझ में कि यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन होगा, देखो नो डाउट इस लीडर सिक्वेंस का भी ट्रांसक्रिप्शन तो हो ही रहा है, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन 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 हो रहा है, मगर एक में फुल लेंथ एमआरएनए बन रहा है, एक में फुल लेंथ एमआरएनए नहीं बन रहा है, राइट? तो ये कंडीशन कब डेवलप होगी, जब आपको मेंशन किया जाए कि जब लो ट्रिप्टोफैन कंडीशन है तो फुल लेंथ एमआरएनए, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन के लिए भी क्या होंगे, कोडोन होंगे, जो आप क्या देखोगे स्ट्रक्चरल जीन के लिए भी कोडोन होंगे जो क्या करेंगे, डी सी ई सी डी बी ए, इन पांचों जीन के लिए कोड करेंगे, और इनसे फिर प्रोटीन भी बनेगी। समझ पा रहे हो? तो हमने क्या मेंशन किया, जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है जब लो ट्रिप्टोफैन होगा तो फुल लेंथ एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा, जब हाई ट्रिप्टोफैन की कंडीशन होगी तो फुल लेंथ ऑफ एमआरएनए सिंथेसिस नहीं होगी। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अब आप इस लीडर सीक्वेंस को थोड़ा सा और जूम इन करके देखेंगे ना, जब आप इस लीडर सीक्वेंस को जूम इन करके देखेंगे देन यू विल फाइंड कि यहां पे
एक प्रॉपर कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिक साइट देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको चार कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, चार स्पेसिफिक साइट देखने को मिलेगी किसमें, इसी स्पेसिफिक लीडर सीक्वेंस में, इसी लीडर सीक्वेंस में आपको कुछ स्पेसिफिक साइट देखने को मिलेगी, और इन साइट को हम 1, 2, 3, 4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मार्किंग नंबर कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, और ये कहीं ना कहीं अटेन्यूएटर वाला पार्ट ही है, अभी आप इस चीज को देखोगे ये कहीं ना कहीं अटेन्यूएटर वाला पार्ट ही है, ये जो 1, 2, 3, 4 आप जब इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप देखेंगे ये अराउंड 162 बेस पेयर का पार्ट रहता है, दिस इज अराउंड 162 बेस पेयर पार्ट, ये स्ट्रक्चर करीब करीब 162 बेस पेयर का होता है, राइट कौन कौन स्पेसिफिकली कौन, मैं यहाँ पे इसको मेंशन भी कर देता हूँ स्पेसिफिकली कौन, ये 162 बेस पेयर का पार्ट होता है, कौन, ये जो लीडर सीक्वेंस जिसको मैं बोल रहा हूँ पूरा का पूरा लीडर सीक्वेंस, मगर ये पूरा का पूरा लीडर सीक्वेंस 162 बेस पेयर के बाद आगे का फुल लेंथ ऑफ एमआरएनए कहाँ पे बनता है, जब लो ट्रिप्टोफैन की कंडीशन हो, बट आप इस चीज को भी मेंशन कर सकते हैं कि जब फुल लेंथ ऑफ, आप इस चीज को भी मेंशन कर सकते हैं कि जब जब हमारे पास हाई ट्रिप्टोफैन की कंडीशन है तो फुल लेंथ ऑफ एमआरएनए बनने की जरूरत ही नहीं, ये अराउंड 140 और 142 के अराउंड, 140 और 140 बेस पेयर का ही पार्ट रह जाता है, 140 बेस पेयर, सॉरी नॉट द बेस पेयर, यहाँ पे बेस पेयर लिखना एकदम गलत चीज हो जाएगी, क्योंकि आप जब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की बात करते हो तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड वर्ड यूज करते हो, तो यहाँ पे हम बेस पेयर नहीं यूज करेंगे न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, जब फुल लेंथ ऑफ एमआरएनए बन रहा है तो 162 न्यूक्लियोटाइड से का बनेगा और उसके आगे भी प्रॉपरली बनता चला जाएगा, हालांकि 162 न्यूक्लियोटाइड आपके पूरे लीडर सीक्वेंस में आते हैं, जब हाई ट्रिप्टोफैन कंसेंट्रेशन है तो आप कह रहे हो 140 न्यूक्लियोटाइड का ही बनेगा और वहीं पर रुक जाएगा, यहाँ पे आप कंडीशन क्या देखते हो, यहाँ पे प्रॉपर साइट है 1, 2, 3, 4, चार यहाँ पे स्पेसिफिक साइट देखने को मिलेंगी, ठीक है, ओके इस वन वाली साइट को ही आप थोड़ा सा स्पेसिफिक सीक्वेंस मेंशन करते हो, इस फर्स्ट वाली को आप लीडर पेप्टाइड भी बोलते हो, जब इससे जो प्रोटीन बनेगी ना तो हम उनको बोलेंगे लीडर पेप्टाइड, यहां से जो पेप्टाइड बनेगी वो लीडर पेप्टाइड बनेगी इस पर्टिकुलर रीजन से, क्योंकि ये एमआरएनए ही है, कहीं ना कहीं ये एमआरएनए का ही पार्ट है, तो इससे जो इस एमआरएनए से जो प्रोटीन बनेगी इस पर्टिकुलर साइट से आप उसको क्या बोलोगे, लीडर पेप्टाइड बनेगी, इससे जो पेप्टाइड बनेगी मैं मार्क कर दे रहा हूं उसको हम लीडर पेप्टाइड बोलेंगे, अभी आने वाले पार्ट में आपको और बेटर वे में चीजें क्लियर होने वाली हैं, ठीक है, अब हम समझेंगे कौन सी ऐसी चीज है इस पर्टिकुलर लीडर सीक्वेंस में, ऐसी क्या चीज है जिससे इसमें ऐसी क्या चीज है इसमें ऐसी क्या चीज है जिससे ये सेंस कर लेता है कि यहाँ पे लो ट्रिप्टोफैन में हमको पूरा बनाना है, हाई ट्रिप्टोफैन में अधूरा बनाना है, कुछ तो खास होगा ना, कुछ तो खास होगा ना भाई, तभी तो ये लो ट्रिप्टोफैन में पूरा बन रहा है जबकि हाई ट्रिप्टोफैन में पूरा नहीं बन रहा, कौन सी वो मैकेनिज्म है जिससे ये सेंस कर पा रहा है इस चीज को, ये पूरा ही अपना पार्ट अटेन्यूएटर के अंडर में आएगा, दिस कंप्लीट पार्ट इज अंडर अटेन्यूएटर, और जहां पे स्टार्टिंग के 1, 2, 3, 4 डेजिग्नेशन दिए हुए हैं, जहां पे हम वन को हम थोड़ा सा जो पेप्टाइड बन रही है इसमें लीडर पेप्टाइड को शो करेंगे, हम बोलेंगे भाई यहाँ पे लीडर पेप्टाइड बनेगी, आ रही बात समझ में, ओके चलो अब आगे देखो, इसके आगे देखो, तो यही कंडीशन मैं दोबारा से यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, चलिए बार को कलर देख लेते हैं, ठीक है भाई, मान लीजिए हमारा स्टार्ट साइट है, यहां से जो एमआरएनए बनेगा फुल लेंथ ऑफ एमआरएनए बनेगा या फिर हाफ लेंथ ऑफ एमआरएनए बनेगा, राइट एमआरएनए बनेगा, इस एमआरएनए में मैंने मान लीजिए क्या मेंशन किया है कि यहाँ पे चार साइट मेंशन है 1, 2, 3, 4, अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि इन चारों में, इस चीज को समझिएगा, ये यहाँ पे कितनी साइट बनी 1, 2, 3, 4, इन फोर साइट में जब इस पहली साइट से प्रोटीन बनेगी इससे, क्योंकि आप याद रखिएगा हम बात की किसकी कर रहे हैं, बैक्टीरिया की, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है, समझो बात को, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाता है, और यही मजेदार चीज भी है यहाँ पे, यही क्या है मजेदार चीज है यहाँ पे, ओके तो आप क्या देखेंगे कि इस पर्टिकुलर फर्स्ट वाले पेप्टाइड में, आप इस पर्टिकुलर फर्स्ट फर्स्ट पेप्टाइड में देख क्या देखेंगे, अराउंड 14 अमाइनो एसिड जुड़ते हैं, इसमें कितने जुड़ते हैं, अराउंड कितने जुड़ते हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अराउंड 14 क्या जुड़ते हैं, अमाइनो एसिड। ऑब्वियसली बात है अमाइनो एसिड जुड़ेंगे, क्योंकि इससे क्या बनेगी, इस पर्टिकुलर इनसे क्या बनती है, चार जो सेगमेंट दिखाए इनसे भी प्रोटीन बनेगी। इससे जो प्रोटीन बनती है ये पहली पहला अमाइनो एसिड यही होता है। इवन यहाँ पे इस ये जो अमाइनो एसिड जिससे कोड हो रहा है वो AUG सीक्वेंस होता है, यहीं से प्रोटीन कोडिंग स्टार्ट होती है। अब आप ध्यान से सुनना, नाइन्थ पोजिशन पे और 10th पोजीशन पे जब ये प्रोटीन बन रही होती है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, 9th पोजीशन पे और 10th पोजीशन पे जाके कौन जुड़ता है, ट्रिप्टोफैन। कौन जुड़ता है, ट्रिप्टोफैन। 9th पोजीशन पे और 10th पोजीशन पे कौन जुड़ता है, जाके ट्रिप्टोफैन जुड़ता है। क्लियर है? और यही वो टाइम होता है, यही वो जगह होती है जहां पे ट्रिप्टोफैन की कंसेंट्रेशन को सेंस किया जाता है। राइट? अगर ट्रिप्टोफैन होगा, मान लो ऐसे सोच के देखो, अगर ट्रिप्टोफैन, इफ ट्रिप्टोफैन हाई, अगर ट्रिप्टोफैन हाई है तो तुरंत जुड़ जाएगा। इफ ट्रिप्टोफैन कंसेंट्रेशन इज लो तो ये थोड़ा टाइम लेगा। इंस्टेंट और टेक टाइम, यही वो कंडीशन होती है, यही वो सिचुएशन होती है जब ये सेंस करता है कि कंडीशन लो है या फिर हाई है। आ रही है बात समझ में, कि लो कंडीशन है या फिर हाई है। यहाँ पे कुछ हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, ध्यान से सुनना, यहाँ पे कुछ लूप लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक स्टेम लूप स्ट्रक्चर बनते हैं। अब ध्यान से सुनना इस बात को, कि जो स्टेम लूप स्ट्रक्चर बनते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, 1 2 3 4, ये क्या बन रहे हैं, मैं मेंशन कर रहा हूं यहां पे कुछ, जब लो ट्रिप्टोफैन होगा, लो ट्रिप्टोफैन होगा तो कुछ ऐसी कंडीशन होगी, लो ट्रिप्टोफैन होगा तो कंडीशन कुछ होगी ऐसी। यहां पे आप क्या देख रहे हो, सेकंड और थर्ड के बीच में लूप क्रिएट हो रहा है, स्टेम लूप किसके बीच में बन रहा है, 2 एंड 3 के बीच में, जब लो ट्रिप्टोफैन होगा तो ये कंडीशन होगी, और इसको हम बोलते हैं एंटी टर्मिनेशन, एंटी टर्मिनेशन, एंटी टर्मिनेशन लूप बोल सकते हो आपको, या एंटी टर्मिनेशन सिग्नल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, सिग्नल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन के लिए ये एंटी टर्मिनेशन सिग्नल है। एंटी टर्मिनेशन मतलब टर्मिनेशन नहीं करना है आपको। आप क्या देखोगे, जब हाई कंडीशन होगी, हाई ट्रिप्टोफैन होगा, राइट, तो जो लूप बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, वन टू थ्री फोर, ये लूप बनेगा। और अगेन मैं मेंशन कर रहा हूं, ये अटेन्यूएटर वाला पार्ट है, अभी इसको और बेटर भी मैं समझाऊंगा। यहां पे जो स्टेम लूप बन रहा है वो किसके बीच में बन रहा है, यहां पे जो स्टेम लूप बन रहा है वो 3 और 4 के केस में बन रहा है, और इस सिग्नल को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेशन, टर्मिनेशन सिग्नल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के लिए ये टर्मिनेशन सिग्नल शो करता है। तो जब आप देखो, जब आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब यहाँ पे आप कहोगे कि ट्रिप्टोफैन की कंसेंट्रेशन क्या है, हाई है, जब ट्रिप्टोफैन की कंसेंट्रेशन हाई है तो देखो इंस्टेंट कंडीशन क्या होगी, इंस्टेंट क्या होगी, इंस्टेंट ट्रिप्टोफैन जुड़ रहा होगा, इंस्टेंट ट्रिप्टोफैन जुड़ रहा होगा, और कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ पे आप देखोगे कि जो लूप, जो स्टेम लूप बनेगा वो 3 और 4 के केस में बनेगा। जब ट्रिप्टोफैन की कंडीशन, ट्रिप्टोफैन की कंसेंट्रेशन लो होगी, इफ कंसेंट्रेशन इज लो देन इस कंडीशन में ये टाइम लेगा, और यहाँ पे टाइम लेगा तो ये आप क्या देखोगे, सेकेंड और थर्ड के बीच में ही लूप बन जाएगा। इस बात की इंफॉर्मेशन अगली इमेज में और बेटर वे में क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे मैं पूरी चीजें मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, ट्रिप्टोफैन एल, ट्रिप्टोफैन ई, डी, सी, बी, ए, और यहाँ पे आगे साइड में प्रमोटर को मेंशन भी कर देते हैं, ये प्रमोटर है, और इन बिटवीन प्रमोटर यहाँ पे ऑपरेटर भी होता है, यहाँ पे क्या होगा, रेगुलेटरी सीक्वेंस होगा। इस तरीके का आप ऑपेरॉन मेंशन करते हो ट्रिप्टोफैन के केस में। सही है, इतनी चीजें समझ में आ रही है, हालांकि आपको मोटा मोटा चीजें समझ में आ ही रही होगी। ओके, इस कंडीशन में क्या देखते हो, किस कंडीशन में ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप होगा, इस कंडीशन में तो ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू, और इस कंडीशन में ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा। मुझे बताओ क्यों स्टॉप हो रहा है, जल्दी से बताओ, इसमें स्टॉप क्यों हो रहा है, बताओ इसमें स्टॉप क्यों हो रहा है, टर्मिनेशन सिग्नल दे रहा है।
एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेशन सिग्नल आ रहे हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, टर्मिनेशन सिग्नल आके जुड़ रहे हैं, टर्मिनेशन सिग्नल, यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्मिनेशन सिग्नल मिल रहा है, यहाँ पे एंटी टर्मिनेशन सिग्नल है, यहाँ पे एंटी टर्मिनेशन सिग्नल है। इसी चीज को अभी आपको इमेज के थ्रू समझाता हूँ, सेम इसी चीज को। इतना समझ में आया, समझ में आ रहा है, कोई डाउट किसी भी पॉइंट पे, कोई डाउट आ रहा है किसी को? ठीक है भाई, चलो अब हम समझते हैं इसके आगे की कहानी को, क्योंकि इसके आगे की कहानी और इंटरेस्टिंग है। देखो इंटरेस्टिंग कैसे है, आप इस चीज को समझो कि ये क्या है, ये एमआरएनए है, ये वो एमआरएनए है जो भी बन के निकल रहा है, सही है? ये क्या है, ये वो एमआरएनए है जो बन के निकल रहा है, सही है? और मैंने अभी बताया था यहाँ पे चार, आप क्या देखोगे, ये वो एमआरएनए जो बन के निकल रहा है, यहाँ पे आप क्या देखोगे, मैंने साइट मेंशन की वन, राइट? और अब मैं सिचुएशन भी मेंशन करते रहता हूँ, क्योंकि सिचुएशन मेंशन करना ज्यादा जरूरी है। मैं मेंशन कर रहा हूँ जब लो ट्रिप्टोफैन कंडीशन होगी, जब लो ट्रिप्टोफैन कंसेंट्रेशन, जब लो ट्रिप्टोफैन की कंसेंट्रेशन होगी तो आप क्या देखोगे, इस पर्टिकुलर साइट पर कौन आके बाइंड कर जाएगा, क्योंकि आरएनए के बनने के साथ साथ ही प्रोटीन सिंथेसिस भी हो रही है, तो यहाँ पे आके राइबोसोम बाइंड कर गया। ये कौन बाइंड कर गया, राइबोसोम, और राइबोसोम से बनना कौन स्टार्ट हो जाएगा, प्रोटीन, यहां से पर प्रोटीन बन रही है। और याद करो मैंने अभी तो आपको एक चीज बोली है कि नाइन्थ पोजीशन पे, मान लो ये नाइन्थ और टेंथ पोजीशन है, नाइन्थ पोजीशन पे और टेंथ पोजीशन पे क्या होगा, ट्रिप्टोफेन की जरूरत पड़ती है, और ट्रिप्टोफेन जब लो होगा तो ये टाइम मिलेगा, जब ट्रिप्टोफेन लो होगा तो ये प्रोटीन बनी रही है, तो यहाँ पे ट्रिप्टोफेन के जुड़ने में टाइम लगेगा, ट्रिप्टोफेन जब लो है, ट्रिप्टोफेन जब लो कंडीशन शो कर रहा है, तो देखो इस जगह आके जब प्रोटीन भी बन रही है, ये एमआरएनए भी बन रहा है, प्रोटीन भी बन रही है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन साइमल्टेनियस, तो आप क्या देख रहे हो, इस समय जब आरएनए आके जुड़ा, सॉरी ये राइबोसोम आके जुड़ा, उसने प्रोटीन बनाना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पैकेट ट्रिप्टोफैन चाहिए, 10 पैकेट ट्रिप्टोफैन चाहिए, जब ट्रिप्टोफैन की कंसेंट्रेशन कम है तो ये प्रोसेस यहाँ पे थोड़ा टाइम ले लेगा, और जब ये टाइम ले लेगा तो आप क्या देखोगे, ये जो एमआरएनए साथ के साथ वो भी बन रहा है, एमआरएनए बना, तो एमआरएनए सेकंड वाला बन गया, तो इसने यहाँ पे टाइम लिया, तो इसने यहाँ पे टाइम लिया, फिर जैसे ही ये बना तो यहाँ पे ये टाइम ले रहा है, जैसे ये जब ये टाइम ले रहा है तो टू और थ्री दोनों बन गए, टू और थ्री दोनों बन गए, जैसे ही टू और थ्री दोनों बने ये लूप बना लेंगे, जैसे ही टू और थ्री बने तो इन्होंने क्या किया, लूप बना लिया, ये लूप तुरंत क्यों बन गया, टू और थ्री के बीच में लूप क्यों बन गया, क्योंकि इसने यहाँ पे टाइम ले लिया, तो टू बना उसके बाद तुरंत थ्री बन गया, टू के बाद थ्री बन गया, और थ्री के बाद ये फोर, फोर, और ये फिर आगे, फिर आपको अभी वैसे ही पता है फिर कौन है, फिर यहाँ पे ये ट्रिप्टोफेन कौन सा लीडर सीक्वेंस हो गया, ट्रिप्टोफेन इसी को आ रहा, ट्रिप्टोफेन एल बोल रहे हो, फिर यहाँ पे कौन आएगा, ट्रिप्टोफेन ई, फिर डी सी बी ए, है ना, ये कंडीशन है, यही तो हमारे नहीं बन रहे, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ, यही हमारे नहीं बन रहे, बिल्कुल सही बात है। और इस लूप को ही आप क्या बोल रहे हो, एंटी टर्मिनेशन लूप, इसको क्या बोल रहे हो, एंटी टर्मिनेशन लूप, ऑब्वियस सी बात है, ये एंटी टर्मिनेशन लूप है तो यहाँ पे टर्मिनेशन होगा ही नहीं, आ गई बात समझ में, वेरी गुड, बिल्कुल समझ में आ गई, है ना, बिल्कुल समझ में आ गई। चलो उसको, ये कंडीशन कब है, जब आप लो ट्रिप्टोफेन कंसेंट्रेशन शो कर रहे हो, सही है, इज इट क्लियर, अब समझ में आ रहा है कंडीशन क्या कहना चाह रहा है ना, अभी समझ में आ रही है चीजें, तो लीडर पेप्टाइड इसको क्या बोल रहे थे, मैंने याद करो बोला था इसको लीडर पेप्टाइड बोला था, तो यहां पे मैं ये पॉइंट भी लिख देता हूं, लीडर पेप्टाइड सिंथेसिस अलाउ सेंस ऑफ ट्रिप्टोफेन कंसेंट्रेशन, सही बात है, सही है, ये बात हम लिख सकते हैं कि ट्रिप्टोफेन में इसमें जो लीडर पेप्टाइड बन रही है ना, लीडर पेप्टाइड की जो सिंथेसिस हो रही है वही अलाउ कर रही है सेंस ऑफ ट्रिप्टोफेन कंसेंट्रेशन, इज इट क्लियर, क्योंकि वही यहां पर ट्रिप्टोफेन लो है तो टाइम ले लेगा, टू और थ्री के बीच में होगा। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं, कहानी को आगे बढ़ा लेते हैं, देखो अब हम बात करेंगे जब हाई ट्रिप्टोफैन कंसेंट्रेशन है तो क्या हो रहा है, जब हाई ट्रिप्टोफैन की कंसेंट्रेशन है तो क्या हो रहा है, हाई ट्रिप्टोफैन कंसेंट्रेशन में देखो क्या होगा कि ये 5 प्राइम है, ये मान लो फर्स्ट साइट है, सेकंड साइट है,
थर्ड साइट है। आपने क्या देखा कि ये राइबोसोम बाइंड किया फर्स्ट साइट पे, ये राइबोसोम बाइंड किया फर्स्ट साइट पे और इससे ये देखो प्रोटीन बन के निकल रही है, ये प्रोटीन बन के निकल रही है। आप क्या देखोगे भाई, आप क्या देखोगे, आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि राइबोसोम, देखो क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन साथ रह रहा है और क्योंकि यहाँ पे ट्रिप्टोफेन की कंसंट्रेशन खूब सारी है, यहाँ पे ट्रिप्टोफेन ट्रिप्टोफेन कंसंट्रेशन हाई है। जब ट्रिप्टोफेन की कंसंट्रेशन हाई है तो आठवें और नौवें नंबर पे, आठवें और नौवें नंबर पे जो ट्रिप्टोफेन जुड़ रहे हैं उनको टाइम लगेगा जुड़ने में, नहीं लगेगा, वो तुरंत जुड़ जाएंगे और तुरंत जुड़ जाएंगे तो आरएनए भी साथ साथ भागेगा, ये आरएनए साथ साथ भागेगा। ये आरएनए को साथ साथ भाग रहा है, इसने टाइम दिया उसको, कोई टाइम नहीं दिया, इसने टाइम दिया इस चीज को रुकने के लिए, नहीं टाइम दिया, तुरंत जैसे ही, क्योंकि ट्रिप्टोफेन पहले टाइम क्यों ले रहा था, क्योंकि ट्रिप्टोफेन की कंसंट्रेशन लो थी, यहाँ टाइम लग रहा था, अब टाइम थोड़ी ना लग रहा, अब टाइम थोड़ी ना लग रहा, अब तो आप क्या देखोगे, अरे यार जाना जाना जाना, इवन ये तो और ऊपर जाएगा, अब तक तो पेप्टाइड और बड़ी हो गई ना, देखा समझ में आया, अब तक तो पेप्टाइड और बड़ी हो गई ना भाई, तो ये देखो क्या बोलती है कंपनी, समझ में आया, प्रोटीन बनती जा रही है। अब क्योंकि ये तो देखो क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन ट्रिप्टोफेन की कंसंट्रेशन लो थी ही नहीं, लो थी नहीं तो ये भाग तो गया यहाँ भी, बट जैसे ही यहाँ तक आएगी तब ये जो थ्री और फोर जो होते हैं ना ये थोड़े पास पास होते हैं, जैसे ये बनते हैं तुरंत ये क्या करते हैं, जैसे ये बनेंगे ना ये तुरंत के तुरंत लूप बना लेंगे, कौन बनाएगा, थ्री और फोर, ये थ्री और फोर लूप बना लेंगे। और यहाँ तक आप क्या देखते हो कि ये थ्री और फोर लूप बना रहे, तो ये ऑलमोस्ट 140 तक आते हैं, 140 तक आके ये कौन सा सिक्वेंस, इसी सिक्वेंस को क्या बोल रहे हैं भाई हम, टर्मिनेशन सिग्नल सिक्वेंस, ये क्या बोल रहे हैं, टर्मिनेशन लूप या टर्मिनेशन सिग्नल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का ये टर्मिनेशन एक तरीके से सिग्नल है, तो इसीलिए आरएनए राइबोसोम आगे भाग भी नहीं पाएगा, प्रोटीन यहीं पे रुक जाएगी। इवन एमआरएनए सिंथेसिस जैसे टर्मिनेशन सिग्नल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन नहीं है, तो ट्रांसक्रिप्शन यहीं पे रुक जाएगी। 140 न्यूक्लियोटाइड को बनाने के बाद, 140 न्यूक्लियोटाइड, 140 न्यूक्लियोटाइड को कोड करने के बाद ये प्रोसेस यहीं रुक जाएगी। सो दिस इज रेगुलेशन एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन या ट्रांसक्रिप्शन इलॉन्गेशन, इलॉन्गेशन, तो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन के प्रोसेस पे भी ब्लॉक होता है जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, और ट्रांसक्रिप्शन इलॉन्गेशन के प्रोसेस पे भी रेगुलेशन होता है। दिस इज क्लियर कट एग्जांपल ऑफ रेगुलेशन एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इलॉन्गेशन, आ रही बात समझ में, एंड दिस इज एग्जैक्ट रोल ऑफ लीडर सिक्वेंस। मुझे लगता है काफी बच्चों को ये बातें अब और बेटर वे में समझ में आ रही होंगी, सही है, आई होप आप लोग ये चीज समझ पा रहे होंगे। सो दिस इज अबाउट रेगुलेशन एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे ये रेगुलेशन चल रहा है। सही बात है, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो और फिर फाइनल मुझे आंसर बता दो। अच्छा अगर मैं ये बात बोलूं दिस प्रोसेस ओनली पॉसिबल इन बैक्टीरिया, तो ये बात सच है कि गलत है, सही है कि गलत है, सही कि गलत, ओनली ओनली ऑलवेज, मैं ऐसे बोलूं कि ऑलवेज परफॉर्म, यस और नो, ओनली इसमें आंसर करना है, यस नो, यस यस यस, कैसे, अरे भाई ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ट्रांसलेशन सिर्फ इसी में होता है, यही होता है, यही होता है, यही होता है, समझ रहे हो, यस दैट्स व्हाई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। सो ये अपन क्या, यहाँ पे मैं क्लियर कट लिख सकता हूँ, ओनली परफॉर्म इन, ये देखो स्टार बना के डब्बे में लिखूंगा, ओनली इन केस ऑफ पीके, है ना, पीके बोले तो आमिर खान, ओनली इन केस ऑफ पीके, प्रोकैरियोट के केस में ये होगा, ठीक है, और कहीं नहीं होगा, सही है। तो ये था रेगुलेशन बाय अटेन्यूएटर। ओके आप ऐसे सोच के देखो क्या अटेन्यूएटर सिर्फ यही तरीका बचता है, एक और तरीका है, दैट इज लाइक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, यस देयर इज वन मोर मोड, उसको मैं अगली क्लास में बताऊंगा, ये अटेन्यूएटर के बारे में था,
डन, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। देखो मैं आगे दिखाई देता हूँ आपको, दर्शन करा देता हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन अटेन्यूएशन दो तरीके से होता है। एक तरीका क्या था, ट्रांसक्रिप्शन मीडिएट, ट्रांसलेशन एंड अटेन्यूएट। ट्रांसक्रिप्शन से मीडिएट हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन का अटेन्यूएशन कराया, जैसा भी हमने ट्रिप्टोफैन इंटरफेरॉन ऑफ इन ईकोलाई में देखा। एक और तरीका है बाई आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन। आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन भी यहाँ पे हो सकती है। यस, मतलब क्या आरएनए से बाइंड करने की कुछ स्पेशल प्रोटीन भी होती है जो रेगुलेशन कराएंगे। यस यस, देर इज प्रोटीन। अरे समझ में, लुंगी पहन रखी थी भाई मैंने, वो उतार दी अभी। चलो अब लास्ट क्या बचेगा अपने पास, कि एक और मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिज्म मेंशन किया है, दैट इज ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन इन बेसिलस सबटिलिस। इसके केस में क्या होती है, कुछ स्पेशल प्रोटीन कहलाती है, दे आर कॉल्ड ट्रैप। डू यू नो अबाउट ट्रैप? इफ यू डोंट नो अबाउट ट्रैप देन स्टे कनेक्टेड, नेक्स्ट सेशन में ट्रैप के बारे में पढ़ेंगे। और ये मत समझना कि कोई वैसा ट्रैप है कि मैं तुमको बुला रहा हूँ अगली की वीडियो के लिए, नहीं, लिटरली ये ट्रैप है। ठीक है, तो इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए फोरेंट्स के साथ, और चैनल को भाई शेयर जरूर करना। ठीक है, क्वालिटी कंटेंट मैं कोशिश करूंगा इसी तरीके का डिलीवर करता रहूँ, बस इट ऑल नीड योर सपोर्ट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।